बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप लोग ये देखकर इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप लोग चंद दिनों में कैसे 100 आवर्स वॉच टाइम और 20+20 यानी 20 से ज़ायद सब्सक्राइबर जो है आप चंद दिनों में करीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर कैसे हासिल कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं। आइए मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाता हूं कि आप 100+ वॉच टाइम और 20+ सब्सक्राइबर्स हासिल कर सकते हैं, वो भी जस्ट करीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर। तो यहां पर मैं गूगल क्रोम के ऊपर हूं, तो यहां पर यूट्यूब से मैं आपको अपने चैनल के ऊपर लिए जाता हूं। जी, तो अपना टीचर चैनल यहां पर आ जाएंगे, योर चैनल पे, योर चैनल के ऊपर कस्टमाइज चैनल, शायद नेट स्लो होने की वजह से ये कुछ टाइम ले रहा है, तो अभी ये चैनल कस्टमाइज हो जाता है। तो कस्टमाइज चैनल, इसे दोबारा एक दफ़ा कर लेते हैं, बाज़ दफ़ा ये नेट की वजह से भी हो जाता है। जी, तो ये कस्टमाइज हमारा ओपन हो चुका हुआ है। हम पहले इसके डैशबोर्ड पर चलते हैं। डैशबोर्ड के ऊपर आप लोग देख सकते हो कि ये भी करंटली सब्सक्राइबर जो है अभी जो आए हुए हैं, और ये 20+ शो करवा रहा है लास्ट 20 डेज में, और इसके व्यूज़ देखिएगा 99%, और इसका वॉच टाइम आवर भी 99%। तो इसकी असल रीज़न जानते हैं कि +20 किस तरह से मैंने चंद दिनों के अंदर हासिल किए हैं। जी, ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, योर चैनल गोट 3195 व्यूज़ इन द लास्ट 28 डेज। ठीक हो गया जी, ये 20 डेज की समरी दिखा रहा है आपको। मैं 1 वीक की अभी शो करवाता हूँ यहाँ पर, यह है लास्ट 7 डेज। जी, 7 डेज पे आ जाएं तो आपको 2944 और +15 सब्सक्राइबर, यानी आपने एक हफ्ते के अंदर अंदर करीबन 78.4 आवर्स वॉच टाइम और +5 जो हैं सब्सक्राइबर हासिल किए हैं। अगर हम इसको ले लें 28 दिन में, असल में इसको तकरीबन 8 से 9 दिन हुए हैं इसी चैनल को, तो 28 दिन में, चूंकि वो 7 दिन में वो जो पहले 2-3 दिन निकल जाते हैं, इस वजह से वो 2.9 दिखाता है, और यहाँ पर 85 की बजाय 78 दिखाता है, और यहाँ पर +20 दिखाता है। तो इसको इतने सब्सक्राइबर और वॉच टाइम हासिल करने की जो रीज़न है वो ये है। असल हम अपने कंटेंट पे आते हैं। जी, इसकी असल वजह यह है कि हम लोग एक वीडियो डाल देते हैं हफ्ते में या एक दिन में, तो और बैठ जाते हैं सुबह शाम उसको देखने के लिए, क्या कोई सब्सक्राइबर आया या नहीं आया, क्या कोई व्यू आया या नहीं आया। आप लोगों ने अगर वॉच टाइम इसी तरह हासिल करना है और सब्सक्राइबर्स हासिल करने हैं, तो फिर मैं आप लोगों के सामने अभी अपना कंटेंट दिखाता हूं। तो आप लोग अगर इसको फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आप लोग भी जल्द चंद दिनों के अंदर अंदर 100 आवर्स से प्लस हासिल कर सकते हो, और मैंने तो आपको दिखाए हैं +20, आप इससे ज़ायद भी हासिल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप लोगों की मेहनत पर। तो जी, जो असल चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस सारे काम के पीछे है, वो ये है कि अब आप लोगों ने काउंट करना है। जी, इस चैनल के ऊपर मई 2020 में एक वीडियो डाली गई, उसके बाद अगस्त 2020 में,
अब अगस्त 2020 से लेकर जनवरी 25 तक 2021 तक इस पर कोई वीडियो नहीं अपलोड की गई। अब इस मंथ को एक दफ़ा काउंट करके देखिए, अगस्त के बाद अगस्त को भी ऐड कर ले, क्योंकि ये अभी 10 तारीख है ना, शुरू हुआ था अगस्त जब इसको वीडियो को अपलोड किया गया था। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी ये जो वीडियो डाली गई है जनवरी के करीबन एंड पर, करीबन ये वीडियो जो है 6 मंथ के बाद इस चैनल के ऊपर डाली गई है। ये जो वीडियो नज़र आ रही है 6 मंथ के बाद इसको डाला गया, और साथ ही इसके व्यूज़ कितने नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, 456। अच्छा, 26 जनवरी से लेकर, अब देखना आप लोग काउंट करते जाएं, 26 जनवरी से लेकर ये 26, ये 27, फिर 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, राउंड अबाउट मैंने 20 वीडियोस जो हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर, यानी 26 तारीख से लेकर 4 फरवरी तक डाल दिए। ठीक हो गया। अगर ये 3 तक चेक करें तो ये कह लें कि हमें 1 वीक का शो करवाता था, तो यहाँ पर हमें +15 दिखाता है सब्सक्राइबर। अगर हम अगले दिन को डाल लेते हैं तो +20, यानी एक दिन में 5 सब्सक्राइबर मिले, और इसी तरह वॉच टाइम आपको दिखाता है। अब असल रीज़न तो आप लोगों को समझ आ गई होगी, जो मैं आपको बताना चाहता था कि मैंने 6 मंथ तक तो इस पर काम ही नहीं किया, और फिर मैं उम्मीद रखूँ कि मुझे व्यूज़ भी मिल जाएं और मुझे सब्सक्राइबर्स भी मिल जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैंने करीबन एक हफ्ते के अंदर 20 वीडियोस, अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो एक दिन की 3 वीडियोस बनती हैं, और 3 वीडियोस भी मैंने वो उठाने की कोशिश की है जो इस वक्त सर्कुलर में थी, यानी लोग जिसको सर्च कर रहे थे। तो इसका जो सब्सक्राइबर और वॉच टाइम हासिल करने का जो मेथड है, सही और दुरुस्त तरीका, वो यही है कि आप लोग अपने इर्द गिर्द देखें, टीवी चैनल्स पे देखें, यानी इसमें न्यूज़ चैनल आ जाते हैं, स्पोर्ट्स आ जाते हैं, गेम्स आ जाती हैं, बच्चों के कार्टून आ जाते हैं, या अपने टॉपिक्स को देखें तलीम से मतलब, जिसके मतलब आपकी दिलचस्पी है, आप लोगों ने उसी टॉपिक को पकड़ना है और उस टॉपिक को लेकर उसके ऊपर वीडियोस बनाना शुरू कर देनी है। तो फिर आप लोगों ने नोट करना है कि आपको किस वीडियो पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं, तो आप लोगों ने उसी टॉपिक को पकड़ना है और उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनानी है। यही एक मेथड है जिसकी मदद से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर और वॉच टाइम हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको एक दफ़ा एनालिस्टिक में ले जाकर, ये प्लेलिस्ट है, यहाँ पर ले जाकर आपको शो करवा देता हूँ। देखिएगा, इस वक्त जो है 28 दिन का वो डाटा दिखा रहा है, तो जो मैंने आपको दिखाया है यानी वो 26 से लेकर 4 तारीख तक 8 दिन बनते हैं ना, ये करीबन 8 दिन का वर्क है। तो 8 दिनों के अंदर अंदर 3.2 के 85.4 वॉच टाइम आवर और +20 सब्सक्राइबर मैंने हासिल किए। इसकी असल रीज़न यही है कि मैंने वीडियोस को लगातार अपलोड किया और मैंने कंटेंट को चूज़ किया, देखा कि ये कंटेंट इस वक्त स्क्रॉल में है, बहुत ज़्यादा सर्चिंग में है, तो मैंने उसी के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू की, तो मुझे 1 वीक के अंदर वॉच टाइम भी अच्छा मिल गया और सब्सक्राइबर भी अच्छे मिल गए। तो इस तरह हम अपने चैनल को बहुत जल्द मोनेटाइज करवा सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को जो मैं बात समझाना चाहता था उसकी समझ आ गई है। आप लोग अगर मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।